देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना स्टेटिक्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आरडी शर्मा के मैथ में से। और अब तक हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, मीन और मीडियन भाई, और आज हम पढ़ेंगे मोड के बारे में। तो आज अब जो है ना आप पढ़ोगे किसके बारे में भाई, मोड के बारे में पढ़ोगे। और आपने लास्ट टाइम जो है ना एक्सरसाइज 15.4 आपने कंप्लीट कर ली, आप स्टार्ट करेंगे 15.5, और इसमें आप किसके बारे में पढ़ोगे, मोड के बारे में पढ़ोगे। फिर वही चीज कि मोड आप कैसे निकालोगे, ये डिपेंड आपके डाटा के ऊपर, कि आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है या 2 रो है, उस पर डिपेंड है भाई कि आपका जो मोड है ना, मोड आप कैसे निकालोगे वो डिपेंड है भाई डाटा के ऊपर, कि आपका जो डाटा है वो 1 रो है कि आपका कौन है भाई 2 रो है। अगर आपका डाटा 1 रो है तो अलग वे से निकालोगे, और 2 रो है तो अलग वे से निकालोगे। अब कैसे निकालोगे वो तो बल्कि मैं आपको क्वेश्चन से बता पाऊंगा। जब आपका डाटा 1 रो है तो उसमें एक लाइन से आपको दिखेगी, और वो भी किसे लिखी मिलेगी, एक्स आई से। तो मोड कौन होगा, अगर आपको मैं वैसे नॉर्मली बताऊं तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है ना, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार होगी वही आपका कौन होगा, मोड होगा। तो जब आपका डाटा 1 रो है ना, तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है वही आपका क्या बनने वाला है भाई, मोड बनने वाला है। तो मैं एक क्वेश्चन देखो, तो एक्सरसाइज है 15.5 भाई, एक्सरसाइज आपकी 15.5। जैसे आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ना एक बार। फाइंड द मोड, मोड आपने बताना है, और ऑब्जर्वेशन कौन है भाई, ऑब्जर्वेशन आपकी 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 4 भाई, 3 5 7 4, फिर 5 3 5, 5 3 और 5, उसके बाद 6 8 9, 6 8 और 9, उसके बाद 5 3 5 3, उसके बाद 5 3, फिर 5 और फिर कौन 3, 6 9 7 4, 6 9 7 और 4। तो आपका जो डाटा है ना वो 1 रो है, डाटा कौन आपका 1 रो है। तो मोड आप कैसे निकालोगे, पहले बात तो इसको किससे लिखोगे, एक्स आई से लिखोगे। किससे लिखोगे भाई, एक्स आई से लिखोगे। और बेस मैंने क्या बता दिया, जब डाटा आपका 1 रो है ना तो मोड कौन होगा, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार है ना वही आपका मोड होगा। जहां तक मेरा आइडिया है ना, यहाँ पर 5 सबसे ज्यादा बार है। देखो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार, और कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो 5 बार हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी ऑब्जर्वेशन है, 5 है ना, तो आपका मोड कौन होगा, 5 ही बनेगा। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 5 बनेगा, तो कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब आपका जो डाटा है वो 2 रो हो तो आप मोड कैसे निकालोगे। अब जब आपका डाटा 2 रो है ना, तो 2 रो में आपके दो टाइप है भाई, या तो आपका जो डाटा है वो डिस्क्रिएट होगा, या फिर वो कैसा होगा भाई, कॉन्टिन्यूस होगा। या तो आपका जो डाटा है वो कैसा होगा भाई, डिस्क्रिएट होगा, डिस्क्रिएट होगा, और या आपका जो डाटा वो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो पहले अगर मैं बात करूं कि जब आपका जो डाटा है ना वो डिस्क्रिएट हो तो आप मोड कैसे निकालोगे। डिस्क्रिएट में क्या होगा, दो लाइन आपको लिखी मिलेंगी, और एक एक्स आई और एक एफ आई। देखो क्वेश्चन दे बता पाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 2 में आना। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि द शर्ट साइज, क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, द शर्ट साइज वोरन बाई ए ग्रुप ऑफ 200 परसन, यानी टोटल आपके जो है ना 200 परसन है, जिनके जो शर्ट का साइज है ना, जिनके शर्ट साइज कौन है मेरा भाई,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44। और जो नंबर ऑफ पर्सन है ना, नंबर ऑफ पर्सन, वो आपके 15, उसके बाद 25, उसके बाद 39, उसके बाद 41, उसके बाद 36, 17, 15 और 12 है भाई। देखो डाटा आपका 2 row है, जब आपको दो लाइन सी दिखे ना तो डाटा आपका 2 row होगा। अब मोड आपने बताना है, क्या बताना है? मोड। अब देखो टोटल आपको दिया हुआ 100 है, टोटल जो है ना 200 है, टोटल कौन आपका 200, तो जिसका भी सम 200 होगा वही आपकी फ्रीक्वेंसी होगी। देखो इसका सम 200 है, इसका सम कौन है 200, तो आपकी कौन होगी फ्रीक्वेंसी। तो मोड कौन होगा, जब आपका डाटा 2 row है ना तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपका मोड होगा। जैसे 37 की फ्रीक्वेंसी है 15, 38 की फ्रीक्वेंसी है 25, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई, शायद 40 की है। कौन है 40 की फ्रीक्वेंसी? 41। तो मोड कौन होगा? 40। तो देयरफॉर मोड इज इक्वल टू कौन होगा मेरा भाई, 40 बनेगा। तो जब डाटा आपका 2 row है ना तो मोड कौन होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो वही आपका कौन बनेगा, मोड बनेगा। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, वो 40 की है। तो चलो आज आपने जो है ना, जब डाटा आपका कॉन्टिन्यूस हो या फिर डिस्क्रिएट हो तो मोड आप कैसे निकालोगे वो मैंने आपको सिखा दिया। और नेक्स्ट वीडियो में कि जब आपका डाटा कॉन्टिन्यूस होगा तो मोड आप कैसे निकालोगे वो चीज पढ़ेंगे। तो अब आपने पहले 2 question ही करनी है भाई।